पूर्णिमा है आज, जैसे गुरु पूर्णिमा होती है वैसे ही आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध का अर्थ होता है प्रज्ञा की जागृति। जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई है वह बुद्ध होता है। अगर कोई आपको बुद्ध कहता है तो आप हर्ष से उसे अपना समझ बैठते हो, और यदि कोई व्यक्ति बुद्धू कह देता है तो आप उसे अपना शत्रु मान लेते हो। एक शब्द का फर्क है मात्र, एक बुद्ध और बुद्धू में मात्र इतना ही अंतर है कि हम समझने और समझने की शक्ति को यथावत समझने का प्रयास नहीं करते या करते हैं। 2500 वर्ष पूर्व की बात है, भगवान महावीर स्वामी और समकालीन बुद्ध का वह युग था। कट्टरवाद, नास्तिकवाद, ढोंग, सहिष्णुता, असहिष्णुता उस समय भी मौजूद थी। लेकिन महान आत्माएं जब संसार में अवतरित होती है तो फिर इस तमस का नाश करने, हनन करने के लिए वह निमित्त बन जाती है। आज बुद्ध है, पूर्णिमा है। बुद्ध हमारे हृदय में है, जिन्होंने जीवन पर्यंत भगवा वस्त्र धारण कर समाज को, राष्ट्र को, देश को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, और उसी मार्ग पर चलकर आज बौद्ध ने, बौद्ध देशों ने प्रगति का मार्ग स्वीकार किया, प्रगति के मार्ग पर चलकर अपनी उन्नति की, अपने देश की तरक्की की। जैसे बौद्ध को मानने वाले चाइनीज हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष के बुद्ध के पुत्र हैं हम। उनकी संस्कृति के, उनकी सभ्यता को समझने की ताकत शक्ति रखने वाले हम भारतवासी केवल बुद्ध को आज के दिन ही याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि बुद्ध कौन थे। टा इंडिका ग्रंथ मैंने जब पढ़ा था उसमें एक जगह पर वर्णन आता है कि बुद्ध कहते हैं कि मैं पानी पात्र में आहार करता था, भोजन करता था, निर्वस्त्र दिगंबर वेश धारण कर मैंने तपस्या की, लेकिन वह मार्ग बड़ा दुष्कर था, कठिन था, इसलिए फिर मैंने उस मार्ग का छेदन कर दिया। अर्थात यदि हम आगम के, शास्त्र के, पुराणों के अध्ययन को हृदय से समझने का प्रयास करते हैं तो बुद्ध दिगंबर वेशधारी थे, अर्थात निर्ग्रंथ थे। वे कौन थे, उन्होंने क्या किया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने हमें कौन सा पाठ पढ़ाया, यह महत्वपूर्ण है। आज बुद्ध के आदर्शों को हम भूल गए, लेकिन बुद्ध के नाम से पंचशील दिखाने वाले हमारे कुछ भाई अपना रास्ता भटक गए। जिस बुद्ध ने जीवन पर्यंत भगवा वस्त्र को धारण किया, भगवा एक प्रतीक मानकर उसके छत्र तले संस्कृति को एक नई राह दी, नई दिशा प्रदान की, आज हम उस भगवे वस्त्र को, भगवे प्रतीक को भूल करके नीले प्रतीक को अपना मानकर राष्ट्र के साथ, देश के साथ, धर्म के साथ और भगवान बुद्ध की आत्मा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। शास्त्रों को और आगम को हमने कभी अपने मनसविदों की दृष्टि से नहीं देखा, परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखा, न समझने का प्रयास किया। हमने यदि प्रयास किया है तो हम स्वयं की, हमारे स्वयं की दृष्टि से हमने उसे प्रयास किया, जैसा हमें उचित लगा हमने वैसे टीका की, वैसी टिप्पणी की, और उसी प्रकार हमने उस धर्म ग्रंथों को ढाल दिया। आज का जैनी सबसे बड़ा भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि उसने जैन शास्त्रों का अध्ययन सत्यता के आईने से नहीं किया। सत्य क्या है इसका आकलन नहीं किया, बस केवल अहिंसा के रटने से हमारे धर्म को, जो इतना महान धर्म है, उसको दूषित और कलंकित कर दिया। समझने का प्रयास ही नहीं किया। हमारे मनसविदों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें कहने के लिए क्या शब्द दिए, लेकिन हम उसे समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो आज बुद्ध की पूर्णिमा है, बुद्ध भगवान का जन्मोत्सव मनाने का पर्व है। आज भगवान को पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का जो अवसर प्राप्त हुआ था, उसे सहर्ष मनाने का आज पर्व है। मैंने जैसे कहा कि, जैसे पहले कहा मैंने कि बुद्ध का अर्थ होता है प्रज्ञा की जागृति। जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई है फिर वह विवादों में और तर्कों में नहीं फंसता, वह सिर्फ सत्य दोहराता है और सत्य की ही बात करता है। मैं आपके पास सत्य की वह शिला लेकर के आना चाहता हूं और लाकर के देता भी हूं आपको, कि ताकि उसके अंदर से परमात्मा के उस प्रतीक को आप खोज सके।
लेकिन आप यदि जीत पर अड़े हुए हैं, आप यदि अपने शब्दों में स्वयं को ढालने का प्रयास करते हैं, उसी के अनुसार जिस तरह से आप ने अपना एक ढांचा बना लिया है, तो समझ लीजिए कि आज आपके लिए वह महत्वपूर्ण दिवस है नहीं जिसे हम आज बुद्ध के नाम से जाने जा बुद्ध के नाम से जानेंगे, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। बुद्ध और पूर्णिमा अर्थ क्या हुआ? पूर्णिमा का अर्थ बुद्ध के साथ किस तरह से जोड़ा गया? जैसे गुरु पूर्णिमा होती है, क्योंकि गुरु पूर्ण है, स्वयं में पूर्ण है। इसीलिए मैंने अपने जीवन में कभी अपने शिष्यों को जन्म नहीं दिया, शिष्य नहीं बनाए। लोग कहते हैं कि गुरुदेव आप शिष्य क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी को अपना शिष्य बनाता हूं तो मैंने उसे जन्म दिया और मैं जन्म देने वाले को पालने की शक्ति नहीं रखता, क्योंकि मुझे फिर पूरा योगदान उसी के लिए देना पड़ेगा। यदि आप मेरे शिष्य हो और आप मुझे बाध्य हो, तो फिर आपको अपने गुरु के शब्दों को पूर्ण रूप से स्वीकारना होगा, क्योंकि गुरु आपने मुझे बनाया है, मैंने आपको शिष्य नहीं बनाया। यदि आप मुझे अपना गुरु मानते हो और समझते हो और जताते हो कि आपकी राह पर चलने के लिए हम राजी है, तो फिर संसार मेरे खिलाफ भी खड़ा हो जाए तो आपको इस गुरु का साथ कदापि न छोड़ना होगा। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको गुरु बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि मैं शिष्य कभी नहीं बनाता। बुद्ध ने भी अपने शिष्य नहीं बनाए, वो बन गए। महावीर ने अपने शिष्य नहीं बनाए, वो बनते गए। गुरु पूर्ण होता है, स्वयं में पूर्ण होता है। बुद्ध स्वयं में पूर्ण थे, इसीलिए आज उनकी पूर्णिमा मनाई जाती है, उनकी उनको याद किया जाता है। मैं भी यही चाहूं कि आज आप सभी पूर्णत्व की प्राप्ति करने का एक प्रयास करें, चले उस सोपान की ओर जिस पर कभी महावीर चले, जिस पर कभी बुद्ध चले, और बुद्ध चल करके प्रज्ञा की प्राप्ति जिन्होंने की। जब तक यह सनातन सभ्यता रहेगी, जब तक यह वैदिक संस्कृति रहेगी, जब तक यह जिनवाणी रहेगी, जब तक यह जैनागम रहेगा, तब तक बुद्ध को महावीर को याद पल पल किया जाएगा, उसे विस्मृत नहीं कर सकते हैं हम। ऐसे महान आत्मा को हृदय से नमन करते हुए आज की इस बुद्ध पूर्णिमा पर सभी को हृदय से अभिवादन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। अपने अंतस का दिया जलाए, अमावस की रात्रि से, अमावस की गहन गर्त से बाहर निकलकर, तमस के उस गर्त से निकलकर पूर्णिमा के उस पूर्ण चंद्रमा को तराशने का प्रयास करें, तभी आपकी आत्मा का कल्याण होगा और जो जन्म आपने पाया है मानव जन्म, उसे सार्थक करने के लिए जो सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है उसे पूर्ण करें। बस आज इतना ही, शब्द ज़्यादा हो तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतने। जय पारसनाथ, जय माँ भारती, सभी को हृदय से आशीर्वाद।